आता आपण जे पाहिलेत ते आहेत गोवंडी येथील दोन महत्वाचे कब्रस्तान, एक रफीनगर आणि दुसरा देवनार. एम पूर्व प्रभागांतर्गत हे दोन्ही कब्रस्तान येतात. याशिवाय चिता कॅम्प कब्रस्तान देखील एम पूर्व विभागातच येतो. पण चिता कॅम्प कब्रस्तानापेक्षा गोवंडीतील हे इतर दोन कब्रस्तान जवळ असल्यामुळं नागरिकांकडून त्यांनाच प्राधान्य दिलं जातं. पण सध्या ही दोन्ही कब्रस्तानं बंद करण्यात आली आहेत. यामागचं कारण काय, तर कब्रस्तानमधील मातीची प्रत खालावली असल्यानं तिथं मृतदेहाचं विघटन नियोजित वेळेत होत नसल्याचं सांगितलं जातंय. यामुळे अंदाजे 10 लाख मुस्लिम लोकसंख्या असलेल्या गोवंडीकरांसाठी सध्या एकही हक्काचं कब्रस्तान उरलेलं नाहीये. परिणामी येथील लोकांना खासगी कब्रस्तानात दफनविधीसाठी जावं लागतंय. मुंबई महापालिकेच्या एम पूर्व विभागाकडे वारंवार तक्रार करूनही त्यावर तोडगा निघत नसल्याचं येथील स्थानिकांचं म्हणणं आहे. शिवाजी नगर गोवंडी के अंदर कब्रस्तान जो है दोनों बंद है. रफीक नगर और देवनार कब्रस्तान दो कब्रस्तान है. देवनार कब्रस्तान 2 साल पहले बंद हुआ और रफीक नगर कब्रस्तान जून महीने में बंद किया गया. और रफीक नगर कब्रस्तान बंद होने का कारण ये था कि जब वहाँ पर कब्र खोदी गई तो जो बॉडी है वो डिकम्पोज हुए बिना वो बॉडी उसी तरह से मिली और लोगों ने उसका वीडियो वायरल किया जो मुस्लिम्स के सेंटीमेंट्स को हर्ट करता है और उस कारण से बीएमसी ने उसको बंद कर दिया. अब रफीक नगर कब्रस्तान बंद होने के बाद देवनार कब्रस्तान को शुरू करना था. उसका 18 महीने का साइकिल जो है वो सर्कल जो है वो पूरा हो चुका. देवनार कब्रस्तान के अंदर जो काम हो रहा था वो काम भी लगभग पूरा हो चुका था. लेकिन जब देवनार कब्रस्तान के अंदर MOH ने 4 कब्रें खोद कर देखा जो 18 महीना पहले दफनाई गई थी, वो भी बॉडी डिकम्पोज नहीं हुई. और ऊपर से जो रफीक नगर और जोनार कब्रस्तान है इसके अंदर बॉडीज डीकम्पोज नहीं हो रही है. और बॉडी डीकम्पोज नहीं होने का कारण मुझे जहाँ तक लगता है कि इसके अंदर करप्शन है, वो सॉइल का करप्शन है. सॉइल जो है वो ठीक से नहीं डाला गया था और कीचड़ और लीचिंग वाला सॉइल डाला गया था जिस वजह से बॉडी डीकम्पोज नहीं हो रही. मरने के बाद अपने मुर्दों को लेकर भटकना ये गोवंडी का इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, जो गोवंडी की जनता का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में BMC जो है वो सक्षम नहीं है, नासफल नजर आ रही है. मुख्यमंत्री जी से अपील करते हैं कि आप गोवंडी के बारे में, गोवंडी के जो दफन भूमि का जो मुद्दा है उसके ऊपर आप आकर्षित हो जाइए और उसके ऊपर सुचिंतित बनिए. अगर यहाँ के लोगों को दफन भूमि के लिए जमीन प्रोवाइड नहीं कर सकते तो कम से कम उन्हें ये अलॉटमेंट दे दीजिए कि लोग जिस तरीके से रोटी कपड़ा मकान के लिए आदमी पैसे जमा करता है अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए, एक मकान खरीदने के लिए, उसी तरीके से अब आदमी अपने दफन भूमि के लिए भी जगह खरीदने की तैयारी. क्योंकि देखो अब हम थक चुके हैं, अब ज़्यादा हम दौड़ नहीं सकते, भाग नहीं सकते. कहीं ना कहीं हमारी भी एक एनर्जी है, हमारा भी एक लेवल है कि उस लेवल पर जाने के बाद हम थके अपने आप को थका महसूस कर. तो इसलिए मैं वीडियो के माध्यम से आपसे अपील कर रहा हूँ कि आप जल्द से जल्द या तो गोवंडी का एक दौरा कीजिए और दफन भूमि के इस मुद्दे के ऊपर आप शुभचिंतित बनिए और इस मुद्दे के ऊपर आप संज्ञान लीजिए. स्थानिकांकडून महापालिका आणि राज्य सरकारकडे कब्रस्तानासाठी मागणी केली जाते. महापालिकेवर तर भ्रष्टाचाराचे आरोप देखील काहींनी केलेत. याविषयी अधिक माहिती घेण्यासाठी आम्ही संबंधित अधिकाऱ्यांकडे विचारणा केली असता दोन्ही कब्रस्तानांमधील मातीची चाचणी प्रक्रिया केली आहे. त्याचा अहवाल आला की सहाय्यक आयुक्तांसोबत बैठक घेऊन योग्य ती उपाययोजना करण्यात येईल असं म्हटलंय. आता हा अहवाल कधी येणार आणि गोवंडीकरांना त्यांच्या हक्काचं कब्रस्तान केव्हा मिळणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. शुभम पाटील, लोकमत, मुंबई, गोवंडी.